मेमोरी जो है वो ब्रेन का पार्ट है या सेल्फ का पार्ट है भैया? देखिए मेमोरी का मतलब होता है रिटेंशन, कोई चीज बनी रहे उसी को मेमोरी कहते हैं। जी तो जड़ में भी कोई चीज बनी रहती है, चेतन में भी कोई चीज बनी रहती है। तो भाव विचार आस्वादन ये सब चेतन में बना रहेगा, और जो जड़ पे प्रभाव पड़ा है वो जड़ में बना रहेगा। तो ब्रेन में जो प्रभाव है उसका बने रहना ब्रेन में मेमोरी होगी, और मुझ में भाव बने रहना, विचार बने रहना, आस्वादन बने रहना, ये मेरी मेमोरी होगी। तो मेमोरी को किस रूप में प्लेस कर रहे हैं, तो मेमोरी को भी दो भाग कर सकते हैं, जड़ में और चैतन्य में। तो जड़ में जो रिटेंशन है उसको जड़ में देखेंगे, चैतन्य में जो रिटेंशन है चैतन्य में देखेंगे। तो ब्रेन वाले में ये होता है कि ब्रेन के स्वास्थ्य के आधार पर उस पर जो रिटेंशन है वो सुनिश्चित हो पाता है, जो भौतिक रासायनिक घटनाएं है ना उसको रिट्रीव करने में हेल्प करती है, और चैतन्य में भी कुछ है। फिर देखेंगे आपकी उम्र के साथ साथ हमारा तजुर्बा बढ़ता जाता है ना, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, बट ब्रेन का जो हेल्थ है वो घटता जाता है। तो अब जब डेटा रिट्रीव करना पड़ता है तो हमको मुश्किल पड़ता है। तो 40 की उम्र के बाद आप पाएंगे कि याद करना कई बार मुश्किल होने लगता है, पता लगता है कि अब याद नहीं हो रहा है। 50 के बाद और मुश्किल पड़ता है, 70-80 के बाद और मुश्किल पड़ेगा। तो जिस तरह से हम डेटा को रिट्रीव करते थे बचपन में अब नहीं कर पाते है ना। तो मेरे अंदर तो सूचना बढ़ी है बट ब्रेन का हेल्थ घटा है, इसलिए रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब रिकलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें ब्रेन का भी रोल होता है।